गाइस हमारा भाई आ गए एक और नई वीडियो के साथ। कौन सी? सर्वाइवल, माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। आज देखो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, आज हम घर को अपग्रेड नहीं करेंगे ना, आज हम बनेंगे आयरन फार्म। क्यों? क्योंकि मेरा मन है भाई। तुम कौन हो पूछने वाले? चुपचाप देखो वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ठीक है? चलो गाइस, आयरन फार्म बनाने के लिए हम तो हो रखे हैं रेडी। बस अब हमें चाहिए जगह जहाँ पे हम एक बढ़िया से एक आयरन फार्म बना सके। और मैं क्या सोच रहा हूँ, जहाँ पे हम आयरन फार्म बनाएंगे ना, वो जगह पता कौन सी होगी, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। वो जगह होगी ये वाली, थोड़ी सी मतलब प्लेन सी भी है थोड़ी सी, नहीं यार ये वाली नहीं, वो वाली, हाँ ये बेस्ट जगह है, ये देख रहे हो तुम, ये वाली जगह ये बेस्ट है, यहाँ पे बनाएंगे हम आयरन फार्म। ये मत बोलना कि मैंने अभी सोची, मैंने पहले सोच रखी थी ये, ठीक है? तो यहाँ पे हम बनाएंगे आयरन फार्म। तो सबसे पहले हमें आयरन फार्म बनाने के लिए चाहिए मटेरियल, तो मटेरियल इकट्ठा करने चलते हैं सीधा, बिना टाइम वेस्ट करे। और भाई बिना टाइम वेस्ट करे तुम भी यार एक काम करो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, ठीक है? तुम्हारा भी टाइम बचेगा, मेरे बचेगा, तुम्हें सीधा नोटिफिकेशन आएंगे वीडियो के। तो सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं, हमको चाहिए पहले थोड़े से ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है? दो तो हमारे पास पड़े हैं, एक स्टैक ले लेते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्या दिक्कत है, इनसे खोद देते हैं ना पूरा, ऐसे विलेजर्स कुछ कहेंगे थोड़ी ना मेरे को। बिल्डिंग ब्लॉक्स तो हमने इकट्ठा कर लिए हैं, अब एक बार फटाफट सो लेते हैं और उसके बाद चलते हैं सीधा और मटेरियल इकट्ठा करने। तो गाइस सारा सामान मैं लेके आ चुका हूँ, सारा सामान इकट्ठा करते करते लग गया मेरे को बहुत टाइम, ठीक है? तो अब हम सीधा यहाँ पे अपना फार्म बनाना चालू करते हैं। आओ तुम्हें दिखाऊँ कैसे फार्म बनाते हैं, ठीक है? सबसे पहले कोई भी अपना बढ़िया सा खाली एरिया लो, उस पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है? कोई भी ऐसे लो पत्थर के ब्लॉक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3, और ये जो अपना एरिया है, ये जो बीम है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ब्लॉक से जाएगी। अब तुम निकाल लो लैडर, ठीक है? लैडर निकाल लो, लैडर को लगा दो सीधा यहाँ पे। भाई क्या गैप छूट रहे हैं ये, लैडर को निकाल के तुमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है? तुम्हारा ये काम हो गया पूरा, ऊपर चढ़ने का स्ट्रक्चरल काम हो गया पूरा। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये यहाँ पे आ जाओ इस साइड पे। अब दो रेडस्टोन रिपीटर लगाओ ऐसे, दो रेडस्टोन रिपीटर लगाओ ऐसे, बिल्कुल आमने सामने फेस टू फेस करते हुए, बट फेसेस अलग होंगे इनके, एक इस तरफ को आएगा एक उस तरफ को जाएगा, ठीक है? अब तुम्हें क्या करना है, फटाफट से निकाल लो अपने ब्लॉक्स, दो ब्लॉक्स लगाओ यहाँ पे, ठीक है? और एक ब्लॉक लगाओ यहाँ पे। तुम्हारे साथ ब्लॉक्स का काम हो गया फिलहाल इस लेवल पे पूरा। अब एक ले लो अपना फटाफट से रेडस्टोन टॉर्च, एक लगा दो यहाँ पे, ठीक है? अपने लो रेडस्टोन डस्ट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो तुम्हारा ये सर्किट हो गया पूरा। अब इसके बाद तुम्हें ले लेना एक लीवर, लीवर लगा दो यहाँ पे और इसको कर दो ऑफ, ठीक है? अभी हमारा हो गया ऑफ, रिपीटर्स कर दो 4 टिक पे, ठीक है? सारे रिपीटर्स हो चुके हमारे 4 टिक पे, एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब निकाल लो अपने पिस्टन, पिस्टन लगा दो ऐसे, और अब देखना मैजिक, ये देखो तुम्हारी हो गई नीचे का लेवल पूरा। अभी धीरे धीरे ऊपर उठेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है? अब इसको फिलहाल के लिए तुम कर दो ऑफ। अब देखो
अब जब तुम इस साइड पे आ जाओगे, मैंने इसको तोड़ दिया, मेरे को पिकेक्स बनानी पड़ेगी, मेरी एक्चुअली पिकेक्स मेरे को मिल नहीं रही थी कहाँ गई। तो एक कंपोस्टर लगाओ यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बिल्कुल बेड के सामने जहाँ पे तुमने पिस्टन को फेस करते हो, ठीक है। फिर उसके ऊपर लगा दो तुम 3 ट्रैप डोर, मैंने बड़े सारे बना लिए थे भाई, मेरे को अपनी काबिलियत पे विश्वास नहीं है, ठीक है। अब 3 ट्रैप डोर लग गए, देखो अब तुम्हारा ये बन चुका है। अब इसके आसपास तुमने पूरी इसको आउटलाइन कर देना, ठीक है। अब आउटलाइन कैसे होगा, एक यहाँ पे, एक ऐसे, ठीक है। इसको पूरे का आउटलाइन कर देंगे हम बढ़िया करके। अब तो तुमने ये कर दिया, अब तुम्हें लगा देने यहाँ पे डबल चेस्ट। डबल चेस्ट ऐसे लगेंगे, देखो एक थोड़ा उधर जाके लगा दो अगूना, और ये हो गया 2, ठीक है। डबल चेस्ट लग गए। अब यहाँ पे लगाओ एक सैंड का ब्लॉक, एक यहाँ पे और उसके ऊपर 2 ऐसे खींच दो। तो अब देखो, अब तुमने ये लगा दिया, डट लगा के वापसी आ जाओ नीचे। अब निकाल लो अपने ट्रैप डोर्स वापसी। अब तुमको ऐसे लगाना है कि बिल्कुल इसके ऊपर लगे, ठीक है। 1, 2 और 3। अब इन सबको कर दो बंद, ठीक है। अब तुम तोड़ दो मिट्टी। अब मिट्टी का हमसे कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, वापस से लगाओ यहाँ पे पत्थर और पूरे स्ट्रक्चर को कर दो ग्लास से सराउंड, ठीक है। अब देखो ये ऐसे, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया ग्लास से सराउंड। हाँ तो देखो अब यहाँ पे तुमने कर लिया। अब तुम निकाल लो अपने हॉपर, ठीक है। अब एक हॉपर लगाना है यहाँ पे और उसके ऊपर लगा देना एक चेस्ट। चेस्ट लग गया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अपना स्टेयर स्टेयर निकालनी है, जो स्टेयर एक हमने लकड़ी की बनाई थी ना, स्टेयर निकालनी है। और अबे कहाँ गई मेरी स्टेयर, हाँ इस साइड ही आ जाता हूँ भाई, ये मानेगा नहीं ऐसे। और स्टेयर लगा दो इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर लगने के बाद एक वापस से रुकने दो, एक पत्थर ऐसे निकाल लो बाकी के ऊपर, ठीक है। बाकी के ऊपर निकाले। अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसके ऊपर एक चेस्ट के ऊपर इस लाइन में पूरे हॉपर लगा दो। ये लाइन तुम्हारी पूरी हॉपर सराउंड हो गई। अब अपने बाकी के ब्लॉक्स निकल, अबे यार तेरी, हाँ अब इसको पूरा फिल कर दो। तुम ब्लॉक्स को भी ले सकते हो, मैंने तो रद्दी से कोबल स्टोन लिया है, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं तो प्रो हूँ ना, मेरे बाकी कोबल स्टोन, मेरे को कोबल स्टोन भी लाने पड़ेंगे यार, मैं इतना प्रो हूँ। तो ब्रिल्जा भी हो जाए। इसके बीच में तुमने कर दो 2 गड्ढे, ठीक है। और यहाँ से हम कराएंगे अपने विलेजर्स की एंट्री, ठीक है। अब 2 गड्ढे हो गए, अब यहाँ से हम कराएंगे अपने विलेजर्स की एंट्री। तो भाई एंट्री होने में सबसे मुश्किल, ठीक है। तो मैं तुम्हें जब अंदर विलेजर्स डाल दूंगा ना, अब तो मैं तभी मिलूंगा, क्योंकि इसमें लगने वाला बहुत ज़्यादा टाइम। तो फालतू में इतना तुम्हें दिखाने का मतलब है, तुम हो ही यार प्रो हो तुम सारे भाई, तुम कर ही लोगे मेरे को पता है। तो देखो गाइस, मैं विलेजर्स को ले आया, वहाँ से तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा मेहनत लगी होगी मेरी बनाने, और सीधा इन्होंने आके जॉब उठा लिया। तो तुम क्या करो, सीधा तुम यहाँ पे आ जाओ अंदर, ठीक है। और तुम इसको सबसे पहले जो ऊपर है इसको करो बंद, इसको बंद कर। तू क्या, हाँ बोल रहा है, चुप, तू नहीं मानेगा मतलब। भाई ये इरिटेट कर रहे हैं मेरे को भाई, जान दो यार। हाँ देखो, जब तुम आ जाओ तुम यहाँ से बाहर आ सक बाहर आ सकते हो। पिस्टन को तोड़ो और वापस पिस्टन को ऐसे ही लगा दो। अबे भाई लग जा ब्रो, ऐसा हाँ लग गया ना पिस्टन। तो देखो जब तुम ऊपर आ गए, ऊपर आ जाओगे तो तुम यहाँ पे फटाफट से तुम्हें सारे को वॉल से कवर कर देना, ठीक है। जितना एरिया ना इसको वॉल से कवर करोगे, मतलब सारे को नहीं करना ऑब्वियसली, बट इतने एरिया को करना है। अबे ये क्या हो रहा है भाई, भाई मैं गलत था भाई, मैं जिंदगी में हमेशा गलत ही होता, तुम्हें सारे को ही कवर करना है। अबे यार तू, ठीक है वॉल कम तो नहीं पड़ जाएगी, नहीं यार कम तो नहीं पड़नी चाहिए, देखा बिल्कुल सही मेरा एस्टिमेट इज। अब मैं बाहर कैसे आऊँ, कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं नीचे अपना सामान लेने। इसको बंद नहीं किया था, एक सेकंड गाइस, फार्म को ठीक करने का मेरे पास तरीका है, मैं करके आता हूँ, एक सेकंड रुको बस, एक सेकंड दो बस, मैं कुछ सामान लेके आ रहा हूँ। मैं थोड़ा सामान लेने गया था तो वो ले लिया है। वे जो विलेजर नीचे गए ना, इसको वापस ऊपर ले, मैं तुम्हें सबसे बेस्ट तरीका दिखाता हूँ इसको कैसे लेके जा सकते हैं। तुम वापस ऊपर जाओ,
यार मेरी पिकैक्स लगी, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात, नो इशू नो इशू, तुम इसको हाथ से तोड़ो ठीक है, क्योंकि हाथ से ही मेहनत होनी चाहिए, हाथ से तोड़ो। मैंने तोड़ दिया, वापस जाओ इसके अंदर ठीक है, और अपने जेब से निकालो दो TNT, एक लगाओ यहाँ पे एक लगाओ यहाँ पे, तुम अंदर ही रहना ठीक है, भाग कर रहे हो ब्रो, अंदर 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 अंदर, अबे अरे भाई, अब उसके बाद TNT लगाने के बाद इसको लगा दो फ्लिंट एंड स्टील से आग और उतर जाओ नीचे, मैं देखने को इसकी एक्सप्लोजन, अरे हो ही गई यार वो, देखो भाई कितना प्यारा फार्म लग रहा है ना, कितना प्यारा फार्म है, इतनी मेहनत करने के बाद इतना प्यारा फार्म कोई बना सकता है तो मेरे को बताओ, देख रहे हो कितना प्यारा फार्म है, एक नंबर फार्म, आई लव इट।